ओके, जब भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर बोलते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, कि उसमें फिर फिजिकल, केमिकल और बैक्टेरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल, बैक्टेरियोलॉजिकल या माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी बोलते हैं. सो दैट आर द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर. और उसमें जो है, हमें क्या टाइप्स आएंगे, फिजिकल बोलेंगे तो उसमें क्या आता है, या केमिकल अगर बोलते हैं तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट यू आर सपोज टू नो. एंड प्लस यू आर सपोज टू नो द लिमिट्स ऑल्सो, कि अगर मैं क्लोराइड कंटेंट बोलती हूँ या पीएच बोलती हूँ तो उसका लिमिट्स कितना होना चाहिए. फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन दैट पर्टिकुलर वाटर, रॉ वाटर, सो दैट वी कैन फाइंड आउट. क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्वालिटी. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नो द क्वालिटी ऑफ वाटर. मतलब क्या, कोई रॉ वाटर पहले सेफ फॉर ड्रिंकिंग है या नहीं, और अगर उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस है, एक मिनट, सो हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट दैट वाटर डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो वो तुमको देगा क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड, और उसके क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि उसको कौन से टाइप का जो है ट्रीटमेंट देना है. एंड आफ्टर ट्रीटमेंट अगेन यू आर सपोज टू टेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर दिस शुड बी देन पास्ड इट ऑन टू द पब्लिक वाटर सप्लाई, उसमें उतना मतलब दे आर इन द लिमिट्स और नॉट. सो टू फाइंड आउट दैट ऑल्सो यू हैव टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज, और यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ वाटर. राइट नाउ, नो वाटर विच हैज विच इज देयर इन द नेचर इज प्योर H2. हाँ, ऑफकोर्स डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नेचुरली ऑब्टेन है क्या? डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं. ओके, मतलब द वाटर दैट एग्जिस्ट इन नेचर, नो, नन ऑफ द वाटर इज अ डिस्टिल्ड वाटर. आई मीन इट इज नन ऑफ द वाटर इज ओनली H2O. ओके, तो एनी हाउ इन एवरी वॉटर इफ यू टेक हैज सम और दी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, और वो ही तुमको क्वालिटी बताता है ना पानी का. ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने तुमको बोला, जो इंश्योर सेफ्टी टू पब्लिक है, थैंक टू द इंडस्ट्रीज एंड द अदर सो यूटिलिटीज. ओके, सो वी आर सपोज टू प्लान दिस प्रॉपर वाटर सप्लाई स्कीम बाई चेकिंग एंड एनालाइजिंग दी एंड ट्रीटिंग दी रॉ अवेलेबल वाटर, सो दैट इट कम्स अंडर द परमिसिबल लिमिट्स. ओके, सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है दैट इज टर्बिडिटी. मैंने तुमको टर्बिडिटी स्टार्ट भी किया था. टर्बिडिटी इज नथिंग बट इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ लाइट. तुम लोग यहाँ पे देखो ना, दिख रहा है ना पानी कैसे ब्लर है. इन्होंने बताया 10 10 टर्बिडिटी का होगा, तो ऐसा एज यू इंक्रीज द टर्बिडिटी द वाटर इज सो मच टर्बिड, और यू कुड से ब्लर दिखता है पानी. बराबर, व्हेन यू सी इट इन दिस इन द लाइट, तो यू कैन सी सम सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज इनसाइड द वाटर, दैट इज कॉल्ड, दैट इज नथिंग बट टर्बिडिटी. सो टर्बिडिटी का यूनिट, हाँ, अभी हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का तुमको यूनिट में जानने का जरूरत है. ऑब्वियसली मैं सिर्फ 4 बोलूंगी, 2 बोलूंगी, 3 बोलूंगी, ऐसे थोड़ी है. उसका क्या यूनिट है, लीटर से, एमजी पर लीटर है, अभी यहाँ पे NTU है. सो मेक श्योर दैट टर्बिडिटी का यूनिट इज NTU. NTU इज नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट. ओके, इस आगे मैं बताऊंगी. नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड द नेफ्लोमीटर. ये नेफ्लोमीटर हमारे लैब में भी है. व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज मैं तुमको ना अभी तो मैं हम वी गो टू कॉलेज ऑन मंडेज एंड ट्यूजडेज, अदर डेज वी डोंट गो टू कॉलेज. सो मंडे व्हेन आई गो टू कॉलेज, आई विल जैसे जैसे एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स जाते जाएगा ना, व्हाट ऑल इज देयर इन योर सिलेबस फॉर एज प्रैक्टिकल्स. सो प्रैक्टिकल्स फिलहाल तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ना ही अभी तक वर्चुअल लैब का कुछ शुरू किया है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी शोइंग यू, अभी मैं कॉलेज में हूँ तो आई कैन शो यू द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द वर्किंग ऑफ इट कि कैसे होता है. ओके, सो दैट आई विल ट्राई टू शो यू फ्रॉम दी कॉलेज. ओके, आफ्टर व्हेन आई गो टू कॉलेज ऑन मंडे. सो टर्बिडिटी के लिए वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द नेफ्लोमीटर, एंड द यूनिट दैट इट गिव्स इज इन नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट. ओके, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट मतलब 1 NTU इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर. बराबर, मतलब इसमें क्या है, अगर 10 NTU बोलती हूँ मैं, ओके, तो इसमें 10 mg ऑफ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज आर देयर इन 1 लीटर ऑफ वाटर. सो दिस इज नोन, अगर 10 NTU बोलती हूँ तो इट इज इक्वल टू 10 mg पर लीटर, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 ppm. ppm
ppm is nothing but parts per million. Okay, so 1 ppm is equal to 1 mg per liter is equal to 1 NTU. से उसके नाम अलग है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, उसका नाम नेफ्लोमीटर है, इसलिए उसको वैसा यूनिट दिया है. अदरवाइज इट इज इन एमजी पर लीटर और ppm. Value becomes same only 1 NTU is equal to 1 mg per liter. Just because of the instrument, the word is given NTU. Okay. So if large amount of suspended matter such as clay, silt, or some finely divided organic materials are present in the water, it will make the water muddy or cloudy or turbid in appearance. Whatever. So this turbidity actually depends upon kitna fineness or kitna concentration of that suspended impurities are present in the water. Okay. See, large amount of suspended matter such as clay, silt, soluble organic compounds, planktons. Planktons bole to you could say a microscopic fishes like living organisms, small fishes like living organisms in water, those are called the planktons. Okay, some microscopic organisms, these are the things which are which do not settle down, which are always in the floating nature and which imparts the turbidity. Okay, so अभी स्टैंडर्ड यूनिट क्या बोलेंगे. अच्छा, ये क्या बोला है कि टर्बिडिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन पब्लिक वाटर सप्लाई. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशंस. क्यों वो इम्पॉर्टेंट है टर्बिडिटी निकालना. बिकॉज एस्थेटिक तो वन थिंग ऑब्वियसली, दिखने में ही पता चल रहा है कि पानी खराब है. फिल्टरेबिलिटी पता चल रहा है कि इसमें इम्प्यूरिटीज है तो इसको फिल्टर करने का जरूरत है. पता है कि इम्प्यूरिटीज कुड बी द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और सम बैक्टीरिया आल्सो, तो डिसइंफेक्शन करने का जरूरत है. एंड साइकोलॉजिकल इन द सेंस, इफ इट ऑल देर आर इफ इट ऑल वाटर लुक्स ब्लर, से देर आर सम सिल्ट और सम मटेरियल्स विच आर इम्पॉर्टिंग टर्बिडिटी टू वाटर, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू योर हेल्थ. लेकिन फिर भी कोई वो पानी पिएगा क्या? वो अगर पानी दिखने में ही तुमको ब्लर दिख रहा है, इवन इफ इट ऑल नॉट गोइंग टू इफेक्ट, अगर पता चलता है कि नहीं इसमें ऐसे इम्प्यूरिटीज भी है कि जो इफेक्ट नहीं करने वाले हैं तुमको बॉडी को, देन टू यू हैव ए साइकोलॉजिकल थिंग ना, बिकॉज इट इज नॉट लुकिंग प्योर, सो यू आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक दैट वॉटर. बराबर. सो दीज आर द फैक्टर्स लाइक यू यू नो फाइंड आउट कि देयर इज टर्बिडिटी एंड हैज टू बी रिमूव्ड. फिर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टर्बिडिटी क्या, जब भी हम लोग 1 mg पर लीटर या 1 NTU अगर बोलते हैं, ओके, तो इन द सेंस मतलब क्या. सो स्टैंडर्ड यूनिट इज दैट विच इज प्रोड्यूस बाय 1 mg ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका. सिलिका इट्स इन व्हाइटिश कलर, सिलिका पाउडर. ओके, फाइनली डिवाइडेड सिलिका इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर. ओके, मतलब अगर वन स्टैंडर्ड यूनिट मतलब स्टैंडर्ड 1 mg पर लीटर या 1 NTU कब बोलेंगे, 1 mg ऑफ सिलिका अगर 1 लीटर पानी में डिजोल्व करते हैं तो पानी का जो थोड़ा ब्लरनेस आएगा, दैट इज योर स्टैंडर्ड 1 mg पर लीटर. फिर उससे तुम कंपेयर कर सकते हो कि 1, 2, 3, 4 mg पर लीटर कैसे दिखते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टर्बिडिटी. ओके, हाँ, बिफोर गोइंग टू हाउ टू मेजर द टर्बिडिटी, टर्बिडिटी इन एक्सेस ऑफ 5 units और 5 NTU और 5 mg पर लीटर कैन बी इजिली सीन इन वॉटर एंड देयरफॉर इट इज ऑब्जेक्शनेबल. ऑब्वियसली मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल पानी में 5 mg पर लीटर, जैसे इसमें दिखाया है ना तुमको, सी 10 also you can find out, even more than 5 NTU, 5 mg per liter, you can easily find out ki usme turbidity hai. Okay, so turbidity in clear lake water is about 25 mg per liter and for muddy water it exceeds the 100 NTU. Okay, so permissible limit for you know, according to the health standards, the permissible limit is 5 to 10 NTUs. In the sense, जीरो हो जाना टर्बिडिटी का इज क्वाइट नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैंने तुमको बोला कि हर एक यूनिट जीरो नहीं होता है. देर आर फ्यू थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द वॉटर विच आर नॉट हार्मफुल बट विच इम्पार्ट सच कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अगर मिनिमम 5 to 10 NTU इसके बीच में अगर कम, 5 से कम आया तो
अच्छा ही है, लेकिन 5 से कम यूजुअली आता नहीं है। तो 5 to 10 NTU के बीच में अगर तुम्हारा टर्बिडिटी है, ओके, सो इट इज दैट वाटर इज एक्चुअली यू कैन ड्रिंक दैट वाटर अकॉर्डिंग टू द टर्बिडिटी वैल्यूज, इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ओके, सो दैट इज अ 10 NTU से कम ही होना चाहिए। ओके, देन देर आर वेरियस वेज हाउ टर्बिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैंने तुमको बोला नेफ्लोमीटर, एक मिनट, आई मूव दिस। ओके, जैसे मैंने तुमको बोला नेफ्लोमीटर, सी यू कुड सी अंदर नेफ्लोमीटर वर्ड गिवन। सो दैट इज मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी ऑकर्स इन टू वेज, दैट इज फील्ड मेजरमेंट अगर करते हैं तो इट इज अ टर्बिडिटी रॉड दैट इज यूज, अगर लेबोरेटरी मेजरमेंट अगर करते हैं सो देर आर दिस थ्री थ्री डिफरेंट थिंग्स, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, बेलीज टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्लोमीटर। ओके, अभी जैसे यहाँ पे लिखा है ना जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, क्योंकि उस टर्बिडिटी मीटर का नाम जैक्सन टर्बिडिटी मीटर है तो उसका यूनिट हो गया JTU, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। ओके, विच इज ऑब्वियसली मैंने बताया इक्वल टू MG/L। अगर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ये बेलीज टर्बिडिटी मीटर है तो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इट इज ऑल्सो द यूनिट इज टेकन एज BTU, दैट इज बेलीज टर्बिडिटी यूनिट। ओके, अगर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट नेफ्लोमीटर है तो इट इज ऑल्सो दैट यूनिट इज टेकन एज नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। और FTU जो है, FTU इज ऑल्सो सेम लाइक द नेफ्लोमीटर, जैसा नेफ्लोमीटर है तुम्हारा, ओके, वैसा ही सेम टू सेम टाइप का इंस्ट्रूमेंट है इफ दैट इज यूज। ओके, दैट इज ऑल्सो रेफर्ड एज फॉर्मोजाइन टर्बिडिटी यूनिट, FTU। ओके, सो मतलब इसमें क्या है एक्चुअली, जैसे हम सिलिका यूज करते हैं फॉर स्टैंडर्ड टर्बिडिटी मेजरमेंट, ये फॉर्मोजाइन टर्बिडिटी मीटर में इट कंपेयर्स विद फॉर्मोजाइन पॉलीमर एज अ रेफरेंस टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सस्पेंशन। ओके, फॉर्मोजाइन पॉलीमर भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे, सो एज अ स्टैंडर्ड यूनिट अगर वो यूज करते हैं तो दैट इज योर फॉर्मोजाइन टर्बिडिटी यूनिट। ओके, सो दीज आर द मेथड्स हाउ विच टर्बिडिटी कैन बी मेजर्ड। ओके, आउट ऑफ दैट फर्स्ट वी विल गो टू द टर्बिडिटी रॉड। तो यू यू हैव इट्स बीन क्लियर राइट, 1 JTU इज इक्वल टू 1 NTU इज इक्वल टू 1 BTU इज इक्वल टू 1 FTU इज इक्वल टू 1 NG/L इज इक्वल टू 1 PPM। ओके, वैल्यूज आर गोइंग टू बी सेम डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, दिस थिंग्स द यूनिट नेम इज चेंज, MG/L और PPM तो कॉमन है सबके लिए, बराबर। यहाँ पे क्या दिया है, 25 to 1000, 0 to 10, ऑल दिस थिंग्स, दैट इज जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेजर्स वैल्यूज फ्रॉम 25 to 1000 MG/L। इतना वैल्यू का रेंज अगर होगा वाटर का कोई, तो उतना वो जो है वो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर फाइंड आउट कर सकता है। बेलीज टर्बिडिटी मीटर मेजर्स फ्रॉम 0 to 10 एंड ऑल्सो अप टू 100 MG/L वैल्यूज वो ले सकता है। नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, अगर तुमको टर्बिडिटी पता करना है विच इज लेस देन, मतलब वेरी वेरी लो टर्बिडिटीज। ओके, अच्छा, रॉ वाटर जब भी हम बोलते हैं तो रॉ वाटर का ऑब्वियसली ये 5 to 10, मतलब ये सब 10 के ऊपर ये सब तो रहता ही है, बट आफ्टर वाटर इज ट्रीटेड, पूरा कलर रिमूवल, ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल, वो सब अगर होता है तो टर्बिडिटी उसमें फ्रेश वाटर जस्ट वेन इट कम्स टू इट्स ट्रीटेड फ्रॉम योर ट्रीटमेंट प्लांट, सो उसका टर्बिडिटी यूनिट 1 से कम वगैरह भी होता है। सो नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी एकदम लेस टर्बिडिटी वैल्यूज जो है, एकदम मिनिमल वैल्यूज, दैट ऑल्सो कैन बी मेजर्ड बाय नेफ्लोमीटर, नेफ्लोमीटर। ओके, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो मेजर्स द हायर हायर टर्बिडिटी वैल्यूज मेजर करने के लिए तो कुछ इतना नहीं है, बट द लोअर टर्बिडिटी यूनिट्स कैन बी मेजर बाय द नेफ्लोमीटर। ओके, देन योर टर्बिडिटी रॉड इज लाइक दिस, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ दिस अल्यूमिनियम रॉड। ओके, जैसे ये सेम ही है, इट कंसिस्ट ऑफ द अल्यूमिनियम, सी यहाँ पे लिखा ना ग्रेजुएटेड अल्यूमिनियम रॉड। ओके, एंड टू द अपर एंड ऑफ दिस रॉड इज अटैच अ ग्रेजुएटेड नॉन स्ट्रेचेबल टेप, ओके, सो एज टू हेल्प द लोअरिंग ऑफ द रॉड, दिस थिंग। ओके, अ स्क्रू इज दिस स्क्रू,
A screw containing platinum needle and a nickel ring is inserted at the lower end of the rod. You could see here. ये जो है एक व्यू बताया है, दूसरा ये व्यू बताया कि सी है प्लैटिनम नीडल एंड द निकल रिंग. ओके एंड यू हैव दिस ग्रेजुएटेड अल्यूमिनियम रॉड एंड ग्रेजुएटेड टेप. ओके तो इसमें क्या करते हैं, दिस द स्टैंडर्ड अल्यू प्लैटिनम नीडल इज 1 mm इन डायमीटर एंड 25 mm लॉन्ग. ठीक है, देन दिस वर्टिकल रॉड इज इंसर्टेड इन द निकल रिंग सो एज टू सपोर्ट एंड कीप द रॉड इन ए वर्टिकल वर्टिकल पोजिशन. ओके तो यहाँ पे तुमको एक मिनट सॉरी. ओके सो यू हैव दिस वर्टिकल रॉड और ए स्टिक विच इज इंसर्टेड इन द निकल रिंग सो एज टू सपोर्ट एंड कीप द रॉड इन द वर्टिकल पोजिशन. ठीक है, सो यू हैव दिस ग्रेजुएटेड अल्यूमिनियम रॉड, यू हैव दिस निकल रिंग, प्लैटिनम नीडल एंड यू हैव दिस ग्रेजुएटेड टेप और यहाँ पे एक आई पोजिशन बोला है. तो इसमें क्या करते हैं कि ये रॉड को ना तुम्हारे जो भी सरफेस वाटर सोर्स ऑन द फील्ड इट इज यूज ना. सो आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो इन द स्टार्ट. इट वॉज एट सी लाइक दिस, यू कुड सी दिस सम रॉड दे आर इंसर्टिंग इन टू द सर्फेस वॉटर सोर्स एंड ही इज वॉचिंग समथिंग. ओके is looking after some values or something like that. Okay, so that is your turbidity rod. So इसमें क्या करते हैं, ये turbidity rod को जो है ना it is lowered in the water from of which you are supposed to find out the turbidity, keeping the eye at its upper end. Okay, eye position मतलब यहाँ पे तुमको observe करना है and you have to look to the needle. जैसे तुम पानी में इसको इंसर्ट करते जाते हो, ये नीडल जो है वो बिकॉज ऑफ वाटर माइट बी ब्लर, सो नीडल पहले तुमको दिखेगा एंड देन एट सम डिस्टेंस यू वोंट बी एबल टू व्यू दैट नीडल बिकॉज ऑफ द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर. बराबर, द लेसर द लेंथ द ग्रेटर इज द टर्बिडिटी. बराबर, मतलब इन द सेंस अगर टर्बिडिटी रॉड इंसर्ट करने गए और ऊपर से आई पोजिशन से तुम निडल को देख रहे हो, इनकेस द वॉटर इज टू मच टर्बिड इमिडिएटली आफ्टर यू इंसर्ट, मतलब थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करेगा एंड निडल विल बी नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द टर्बिडिटी ऑफ वॉटर. बराबर, सो द लेसर द लेंथ द ग्रेटर इज द टर्बिडिटी. ओके एंड द रॉड और अगर और मोर डिस्टेंस पे अगर तुम उसको इंसर्ट करते जाते हो एंड स्टिल इवन यू आर एबल टू सी दैट नीडल, दैट मींस द टर्बिडिटी इज नॉट दैट मच. ओके तो ये जो ग्रेजुएटेड वैल्यूज है उससे जो है टर्बिडिटी फाइंड आउट हो सकता है फ्रॉम ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस वाटर सोर्स. बट मोस्टली टर्बिडिटी रॉड्स अभी यूज नहीं करते हैं, वॉट इज यूज इज द टर्बिडिटी मीटर्स ओनली. ओके then you have this Jackson's turbidity meter. Now इसमें भी visibility के ऊपर ही है. अभी ये इसमें क्या करते हैं कि it consists of a calibrated glass tube. दिख रहा है यहाँ पे glass tube, ठीक है, and it is placed on the metallic cylindrical tube holder fixed on the metallic stand. Metallic stand, metallic container, okay, ठीक है. And it is provided with a stand with a candle at its bottom. Okay. When the glass tube is in place over the lighted candle, इसको अगर glass tube को candle के ऊपर ही मतलब ऊपर के ही line में अगर रखते हैं और पानी अगर इसमें add करते जाते हैं, okay, you start filling the tube with the water. Okay. और ऊपर से जो है कैंडल का फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड सेम जैसे हमने टर्बिडिटी के टाइम रॉड के टाइम किया था ना, द सेम वे कि यहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट अभी यहाँ पे अगर तुमने कैंडल रखा है एंड ऊपर यू हैव दिस ग्लास ट्यूब एंड इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव यू विल बी एबल टू सी दिस दिस थिंग द फ्लेम. बराबर, बट एज यू स्टार्ट फिलिंग इट विथ वॉटर at some particular distance when the water fills you won't be able to see the flame because of the turbidity of the water, so that gives me the value of turbidity. Okay, ye metal container ye pura cover nahi hai, it is just to hold that glass tube. Okay, so from so you got it, that is you have this graduated glass tube. Okay, and from where the bottom flame, this is also a stand and not a table like thing,
फ्रॉम वेयर दिस फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड एज यू स्टार्ट फीलिंग द वॉटर इन साइड दिस ग्लास ट्यूब ओके एंड यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम अबाउट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ये जो फ्लेम है वो दिखना बंद हो जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द यू आर नॉट एबल टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल गिव यू द टर्बिडिटी ऑफ द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ द वॉटर बराबर सो दैट इज सच एन ईजी मेथड टू फाइंड आउट द टर्बिडिटी ऑफ द वॉटर विच इज कॉल्ड द जैक्सन्स टर्बिडिटी मीटर एंड एज आई टोल्ड यू इट डज नॉट फाइंड आउट बिकॉज ये तो बहुत ईजी मेथड है ना कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट इज योर फिजिकल ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग टर्बिडिटी सो यूजली दिस मेजर्स द टर्बिडिटी जैसे तुमको मैंने बोला था 25 to 1000 mg/L यूजली इट्स हेल्प्स अस इन मेजरिंग द लोअर टर्बिडिटी वैल्यूज कैन नॉट बी मेजर्ड ओके फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट देन यूनिट वगैरह तो मैंने तुमको बोला ही है कि इसका यूनिट जो है वो JTU है ओके Then you have next thing that is then you have Bailey's the upper ka part this and these two figures this and this Bailey's turbidity meter ab ye Bailey's turbidity meter actually ye Bailey's turbidity meter nephelometer now these are the things which are used because ek to ye lab mein tumko immediate result deta hai and you don't have to be in contact with your physical you don't have to be do take the readings by some physical appearance or something like that right so it gives so that why the accuracy is also better and that is why it could you know find out the turbidity of lower values also so as I told you Bailey's turbidity meter 0 to 10 mg/L ke turbidities ke range ke water ka find out karta hai barabar so it consists of the galvanized iron box on one side of which two glass tubes can be held vertically side by side okay abhi yahan pe tumko dikh raha hai kya glass tubes these are the glass tubes ye do jo diye hai na okay so these are the glass tubes theek hai then on other side in front of the tubes a 250 watts electric bulb is located with the reflector this is the bulb and it is the reflector theek hai so as to throw light on the tubes the glass tubes are supported at the bottom by white opal glass plate and are surrounded by blue cobalt plates from all sides it is covered okay one of the two glass tubes is filled with the water sample whose turbidity is to measured theek hai do tube mein se ek tube mein aisa sample lenge jiska turbidity find out karna hai and the other is filled with the standard solution of known turbidity jaise mujhe lagta hai tumne pehle kabhi ph mein kiya rahega na color har ek ph ka एक स्पेसिफिक कलर स्टैंडर्ड कलर दिया रहता है एंड अगर तुमको वाटर का फाइंड आउट करना है पीएच कितना है तो वाटर में तुम कुछ एक केमिकल डालते हो एंड देन यू कंपेयर द कलर विद द स्टैंडर्ड पीएच वैल्यूज ओके दैट वाज अ वेरी कन्वेंशनल मेथड प्रीवियसली यूज कि कलर हम लोग मैच करते हैं स्टैंडर्ड कलर वैल्यू से एंड देन यू टेल दैट कि ये वाटर का इतना पीएच होगा वगैरह सेम इज डन इन दिस ऑल्सो वहां पे क्या था तुम लिटमस पेपर तो बाद में लिटमस पेपर तो हम लोग उसका कलर फाइंड आउट करके यू यूज टू कंपेयर इट राइट लिटमस पेपर यू हैव वो भी एक था एंड एक सोल्यूशन डाल के भी करते हैं एंड लिटमस पेपर का तो तुमको पता ही है कि यू इंसर्ट दिस लिटमस पेपर फाइंड आउट द कलर चेंज एंड कलर द कंपेयर द कलर विद द स्टैंडर्ड कलर्स ऑफ द पीएच बराबर सो सेम ही मेथड है इसमें सिर्फ इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड टर्बिडिटी वैल्यूज के सोल्यूशन इसमें एक में डालते हैं और दूसरे में जो है यू आर सपोज टू फिल इट विद द वैल्यू विद द वाटर ऑफ विच टर्बिडिटी यू आर गोइंग टू फाइंड आउट यू हैव दिस रिफ्लेक्टर एंड अ 250 वोल्ट्स बल्ब ये क्यों चाहिए तुमको क्योंकि तुम उसके इसमें ही है ना ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ लाइट ओके सो यू रिक्वायर अ सोर्स ऑफ लाइट ऑल्सो ओके नाउ दिस स्टैंडर्ड ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको यू दिस लाइट falls on the water samples in the glass tubes through the cobalt glass plates which is covered which is covering the tubes right the blue color in both the tubes is observed from the top of the instrument if color of both the tubes differ the standard tube is replaced by another standard tube of different known turbidity abhi isme kya hai
because you are going providing it with a blue cobalt glass plates on all the sides, you have this glass plate at the bottom. So if you feel water into this, any water, you could see blue color. So the cobalt ka color hi jo hai wo blue hota hai. Okay, but डिपेंडिंग अपॉन द टर्बिडिटी वैल्यू, जरूरी नहीं है कि दोनों का कलर जो है वो सेम आए. एक कोई तो स्टैंडर्ड टर्बिडिटी का वाटर है और एक दूसरा जो है वो वेस्ट वाटर है. दोनों का कलर सेम आए ऐसा नहीं है. ब्लू के भी शेड्स होंगे अलग. सो अनलेस एंड अंटिल यू गेट दिस बाय फिजिकल अपीयरेंस, अनलेस एंड अंटिल यू गेट दिस सिमिलर शेड ऑफ ब्लू कलर इन बोथ द ट्यूब्स, टिल देन टाइम यू आर सपोज टू रिप्लेस द वाटर विद द स्टैंडर्ड ट्यूब विद द सम अदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन of turbidity values. Still at the time you get the same shade of blue color and that will give you the turbidity of that particular water sample. So that's such an easy technique to find out. Okay. Now, ये भी तुम्हारा क्या हुआ, ये भी तुम्हारा actually जो है वो physically हम लोग देख के ही पता कर रहे हैं, बराबर. सो बेलिस टर्बिडिमीटर भी अभी इतना यूज नहीं होता है. व्हाट इज यूज इज नेफ्लोमीटर, वेर इन एवरीथिंग इज डिजिटल, एवरीथिंग हैपन्स इनसाइड द नेफ्लोमीटर विदाउट एनी यू नो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन. ओके, सो नेफ्लोमीटर भी सेम चीज है कि यू हैव अ लेंस. मैं तुमको कॉलेज में जाऊंगी तो नेफ्लोमीटर ऑब्वियसली अंदर का तो दिखा नहीं सकते, बट आई विल शो यू दैट व्हेन यू इंसर्ट अ सैंपल इन टू इट देन यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट. ओके, जहाँ पे हम सैंपल इंसर्ट करते हैं वहां पे यू कुड शो, आई विल शो यू दैट इज फुल ऑफ लाइट, देयर इट इज इंसर्टेड सैंपल इन द ग्लास स्मॉल ग्लास ट्यूब एंड देन यू हैव अ रिफ्लेक्टर टाइप थिंग ओनली इनसाइड विच देन फाइंड आउट द रिफ्लेक्टेड यू नो द रेज फ्रॉम द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एज सोर्स ऑफ लाइट इज इम्पार्टेड ओवर दिस water sample, those suspended impurities we're going to reflect the rays and that is detected inside. Okay, so that is actually the nephlometer working, but obviously you cannot see that. अब ये सब कैसे ओपन है, बिकॉज यू रिक्वायर फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, दिस इज लाइक कम्प्लीटली क्लोज. सो वॉट एवर हैपन्स इज इन साइड द लेंस, द लैम्प, द सोल्यूशन विच हैज टू बी फिल्ड इन साइड इट, एवरीथिंग इज इन साइड इट. सो दिस गिव्स दैट गिव्स अ डिजिटल रीडिंग डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट यू नो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज. दिस इज हाउ योर नेफ्लोमीटर एक्चुअली लुक्स. ये सब नेफ्लोमीटर ही दिया है इन्होंने. दिस इज द सेम थिंग विच यू हैव नेफ्लोमीटर. देन योर नेक्स्ट इज कलर. एज ऑलरेडी टोल्ड फ्रॉम द फिजिकल अपीयरेंस टर्बिडिटी तो है एंड कलर भी है. कलर किसकी वजह से होता है पानी में? नाउ नॉट नेसेसरी दैट यू नो अगर हर कोई पानी का कलर है तो वो खराब ही है, ऐसा नहीं. देर माइट बी कलर विच इज ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्वियसली फिजिकल अपियरेंस से साइकोलॉजिकली वी वोंट ब्रिंग दैट वाटर, बट नॉट नेसेसरी दैट इज गोइंग टू हार्म योर हेल्थ. बट कलर कैन बी बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, डीकिंग वेजिटेशन, सम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और सम कलर्ड इम्प्यूरिटीज और कलर्ड सॉइल. ओके, या एल्गे है उसकी वजह से भी कलर आ सकता है. ओके, सो दिस एक्चुअली बिकॉज ऑफ सच इम्प्यूरिटीज ऑब्वियसली इट इज ऑब्जेक्शनेबल फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो, फॉर अदर सोर्सेज ऑल्सो, अदर यूटिलिटीज ऑल्सो. कलर वॉटर यू कैनॉट यूज दैट कलर वॉटर फॉर वॉशिंग योर क्लोथ, योर दैट कलर विल बी इम्पार्टेड ऑन योर क्लोथ ऑल्सो. ओके, यू कैनॉट ड्रिंक, ऑब्वियसली यू कैनॉट ड्रिंक. ओके, as I told you the different impurities which can impart color to your water. It can spoil the color of the clothes aesthetically, psychologically, obviously we are not going to use it, and it also affects the various industrial processes also. Okay, abhi isme standard unit of color kya bolenge hum log, jaise usme kaisa tha standard unit of turbidity, वैसे standard unit of color in the sense which is produced that color which is produced by 1 mg of platinum cobalt dissolved in 1 liter of distilled water. जैसे मैंने बोला तुमको
कोबाल्ट को कलर है ही ब्लूइश कलर. सो 1 mg ऑफ दैट प्लैटिनम कोबाल्ट अगर 1 लीटर डिस्टिल वाटर में मिक्स करते हैं तो जो तुमको कलर मिलेगा वो पानी का, दैट इज योर 1 ppm 1 mg पर लीटर ऑफ कलर. ओके, सो इसका यूनिट जो है 1 mg पर लीटर 1 ppm, यही इसका यूनिट भी है. ओके, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर डोमेस्टिक सप्लाई शुड नॉट एक्सीड 20 mg पर लीटर ऑन दैट प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल एंड शुड प्रेफरेबली लेस देन 5 to 10 ppm एंड शुड नेवर एक्सीड 25. मतलब एक्चुअली तो 5 to 10 mpm के, सॉरी ppm, mpm व्हाट आई एम टेलिंग, सॉरी ppm दैट इज mg पर लीटर. सो 5 to 10 ppm के बीच में इज द रेंज एक्चुअली दैट कलर शुड नॉट, द कलर लिमिट शुड बी विद इन दैट लिमिट. ओके, सो बेसिकली द मैक्सिमम परमिसिबल इज 20 20 ppm के, इफ यू आर यूजिंग, बिकॉज योर इट्स द वॉटर फॉर ड्रिंकिंग इज कमिंग टू योर हाउस होल्ड, दैट इज डोमेस्टिक यूसेज. सो द कलर ऑफ द वॉटर शुड नॉट एक्सीड 20 ppm, दैट इज 20 mg पर लीटर. ओके, सो ये कलर फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकल में फाइंड आउट नहीं करते हैं, बट हाउ डू यू फाइंड आउट द कलर. सो कलर एक तो दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं, यू हैव नेस्लर ट्यूब्स एंड यू हैव टिंटोमीटर. अच्छा, ये चीज हम लोग प्रैक्टिकल में नहीं फाइंड आउट करते, बट जस्ट टू टेल यू दैट अभी इसमें भी जो है वो फिजिकल अपियरेंस से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कलर का क्या यूनिट होगा. नेस्लर ट्यूब में क्या है, सेम वे बाय कंपेयरिंग द कलर ऑफ द वाटर सैंपल विद अदर स्टैंडर्ड ग्लास ट्यूब्स, दैट इज कॉल्ड द नेस्लर ट्यूब्स विच हैज कलर विच हैज सोल्यूशन कंटेनिंग द स्टैंडर्ड कलर इंटेंसिटी. ओके, जैसे इसमें दिया है कि यू आर सपोज टू कंपेयर द कलर ऑफ दोस टू ट्यूब्स. ओके, सो दैट इज योर नेस्लर ट्यूब्स, इजी वे, बराबर. देन यू हैव टिंटोमीटर. अभी ये टिंटोमीटर भी क्या है, इट इज ऑल्सो सेम कलर मेजरमेंट, कलर कंपेरिजन का ही चीज है. ओके, तो इसमें भी क्या है, इट कंटेन्स एन आई पीस विथ टू होल्स. अ स्लाइड ऑफ स्टैंडर्ड वाटर इज सीन थ्रू वन होल एंड द स्लाइड ऑफ अदर वाटर टू बी टेस्टेड इज सीन फ्रॉम द अदर होल. देन द स्टैंडर्ड कलर इज ऑब्वियसली रिप्लेस बाय अनदर टिल अ मैचिंग इज ऑब्टेन्ड एज डन इन, एज जैसे हमने टर्बिडिटी अभी मेथड्स में देखा था. ओके, बेली सर्वेटी मीटर वगैरह, सेम वे जस्ट अ स्लाइड, उसमें तो तुम्हारे ट्यूब्स थे एंड द स्टैंडर्ड वाटर इज रिफिल्ड अगेन एंड अगेन. यहाँ पे क्या है, द ट्यूब कंटेनिंग द कलर सैंपल्स ऑफ द डिफरेंट वाटर, जो एक में स्टैंडर्ड और एक में हम लोग जो जिसका फाइंड आउट करना है कलर वो. एंड देन यू डू दिस कलर कंपेरिजन, यू ऑब्वियसली रिप्लेस द स्टैंडर्ड वैल्यूज टिल अ मैचिंग इज ऑब्टेन विद द गिवन वाटर सैंपल कलर. ओके, सो दैट इज एन इजी मेथड व्हिच इज द यूनिट इज द टिंटोमीटर बाय व्हिच द कलर इज फाउंड आउट. ओके, सो दिस लाइक दिस नेस्लर ट्यूब्स, यू हैव ट्यूब्स विद स्टैंडर्ड वैल्यूज हैविंग डिफरेंट कलर्स और यू हैव यू नो. Then you have the odor, next unit, sorry, next characteristics, that is odor. Now odor, ये किसकी वजह से हो सकता है? तो this could be, see, when you talk about taste and odor, not just odor, sorry, taste and odor, that is taste of water. जैसे मैंने तुमको last lecture में बोला था कि द टेस्ट ऑफ वाटर वैरीज विद द डिफरेंट एरियाज ऑल्सो. इफ यू गो टू योर नेटिव यू विल फील द वाटर हैज डिफरेंट टेस्ट. इफ यू गो कम यू इफ यू गो टू अ कॉलेज द वाटर देयर द टेस्ट इज डिफरेंट. इन योर होम द टेस्ट ऑफ द वाटर इज डिफरेंट. इफ यू हैव आरओ इन योर होम और अदर यूनिट इन योर होम द टेस्ट ऑफ वाटर विल बी डिफरेंट. ऑफकोर्स नाउ टेस्ट ऑफ वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बाई वेरियस इम्प्यूरिटीज. ये तो अगर ट्रीटेड वाटर है और फिर उसका अगर तुमको कलर यू नो टेस्ट में डिफरेंस आया तो इट इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज इट इज ट्रीटेड वाटर. इट्स नॉट ऑब्वियसली द यू नो द थिंग दैट इज गोइंग टू डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द वाटर. इट माइट और माइट नॉट हार्म. ओके, बट टेस्ट ऑफ वाटर, टेस्ट एंड ओडर, बोथ द थिंग्स आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट बाय सम
ऑर्गेनिक मटेरियल, सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सम H2S, CH4, सच गैसेस. यू नो H2S हैज सच बैड स्मेल. मुझे लगता है इफ यू हैव द एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री वगैरह में, H2S यू नो इट स्मेल्स लाइक रॉटन एग. ओके, सो इफ देर आर सम डिजॉल्व गैसेस इन टू इच विच आर गोइंग टू इम्पार्ट ओडर एंड टेस्ट टू योर वॉटर, ऑब्वियसली दे हैव टू बी रिमूव, राइट. सो जैसे हम अगर सॉल्टी बोलते हैं तो फिर यू नो क्लोराइड कंटेंट. जैसे हम सॉल्टी में बोलती हूँ तो यू नो दैट सॉल्टी नेचर इन द वॉटर इज बिकॉज ऑफ द क्लोराइड सॉल्ट. ओके, सो एक्सेस ऑफ सॉल्टी वॉट सॉल्टी टेस्ट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड, नॉट इवन फॉर ड्रिंकिंग एंड नॉट इवन फॉर अदर पर्पसेस, राइट. सो दे हैव टू बी रिमूव. सो टेस्ट एंड ऑर्डर ओडर्स आर ऑल्सो द थिंग्स विच आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉटर विच आर सपोज टू बी रिमूव. ओके, सो जब हम लोग टेस्ट बोलते हैं, हाँ, या कलर बोलते हैं, तो उसको फिर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम लोग उसको यूनिट बोलते हैं. तो यूजुअली टेस्ट जो है, यू कैन नॉट एग्जैक्टली टेक द टेस्ट ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर यूनिट में कि इसका टेस्ट 1 mg/L है, उसका 2 mg/L है, नहीं. बिकॉज यू कैन नॉट एक्चुअली फाइंड आउट द टेस्ट. इट्स जस्ट दैट द वॉटर आफ्टर इट गोज टू योर डिफरेंट ट्रीटमेंट यूनिट्स एंड आफ्टर इट कम्स टू द ट्रीटमेंट प्लांट, द टेस्ट ऑब्वियसली इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल. जैसे मैंने तुमको बोला कि पानी का टेस्ट हर एक जगह का अलग होगा, इवन इफ इट इज अ ट्रीटेड वाटर. तो दैट डजेंट मीन कि मेरे घर का पानी का टेस्ट अच्छा है एंड देन वहां का अच्छा नहीं है, नहीं. ऑब्जेक्शनेबल मतलब एकदम ही तुमको बिटर टेस्ट आया, एकदम ही यू नो सॉल्टी टेस्ट आया, तो ही उसमें हम लोग टेस्ट का कुछ बोलेंगे. अदरवाइज इफ इट्स यू नो इफ इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्टी व्हेन यू आर ड्रिंकिंग, यू फील इट्स नॉट दैट बैड. सो एक्चुअली दैट टेस्ट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ट्रीटमेंट यूनिट्स दैट इज देयर, और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर दैट इज डन. से फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिट तुम्हारे घर में है, वही यूनिट सेम तुम्हारा कॉलेज में रहेगा, नहीं. सो योर टेस्ट कुड डिफर अ बिट, बट दैट डजंट मीन दैट इट इज ऑब्जेक्शनेबल. ऑब्वियसली अगर उसमें बहुत इम्प्यूरिटीज हैं, द रॉ वाटर अ लॉट ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर जिसकी वजह से टेस्ट है, बट दैट इज यूजली मोस्टली रिमूव फ्रॉम योर ट्रीटमेंट प्लांट. तो टेस्ट का इतना डिफिकल्ट नहीं है रिमूवल वगैरह. ओडर क्या है? तो ओडर यू नो दिस ओडर कुड बी फाइंड आउट, जिसको हम लोग वो नंबर जिससे हम ओडर को वैल्यू बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड ओडर नंबर. नाउ थ्रेशोल्ड ओडर नंबर क्या है, या फिर उसको हम ओडर इंटेंसिटी ऐसे भी बोलते हैं. सो दिस थ्रेशोल्ड ओडर नंबर इट रिप्रेजेंट्स द डाइल्यूशन रेशियो एट विच द ओडर इज हार्डली डिटेक्टेबल. मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वॉटर विच हैज ओडर, ठीक है, तुमको बहुत स्मेल आ रहा है कुछ तो पानी का, ठीक है. इफ यू एड सम डाइल्यूटेड फ्रेश वाटर इन टू इट, जैसे डिस्टिल वाटर हुआ, ओके, इट इज फ्री ऑफ एनी इम्प्यूरिटीज, बराबर. एंड इफ यू एड दैट वाटर, मतलब तुम क्या करोगे, पानी को तुम डाइल्यूट करते जाओगे. ओडर, जिस पानी को ओडर है उसको तुम डाइल्यूट करते जाओगे बाय एडिंग दिस फ्रेश डिस्टिल वाटर इन टू इट, या फ्रेश ओडर फ्री वाटर बोलो. ओके, जस्ट इन केस यू डोंट वॉन्ट दैट एनी रैंडम वाटर विच माइट हैव ओडर बिकॉज ऑफ एनी इम्प्यूरिटीज एंड डिस्टिल वाटर. ओके, और बिकॉज ओडर कुड बी डायरेक्टली डिटेक्टेबल, ऐसा तुम वाटर लो जिसका खुद तुमको कोई स्मेल नहीं आ रहा है. ओके, ओडर फ्री है वो पानी. ओके, वो पानी को उसमें ऐड करते जाओ जिसमें ओडर आ रहा है. तो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू डाइल्यूट दैट पर्टिकुलर सैंपल ऑफ वॉटर जिसमें ओडर डिटेक्ट हो रहा है. एज यू कीप ऑन डाइल्यूटिंग, एज यू नो अगर मैं उसको डाइल्यूट करते जाती हूँ तो उसका ओडर या जो स्मेल है वो कम होते जाएगा, बराबर. पहले जितना ओडर था उतना नहीं होगा, तो इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एज एन ऑल द वॉटर इज द फ्रेश वॉटर ओडर फ्री वॉटर इज फिल्ड इन टू इट, बराबर. सो एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू या पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन ओडर फ्री वॉटर का यू नो ओडर तुम ओ सर जब व्हेन ओडर पानी जिसका ओडर था वो तुमको आना बंद हो जाएगा, तुमने इतना उसको डाइल्यूट कर दिया
फ्रेश वाटर से, ओडर फ्री वाटर से, कि उसका स्मेल जो आना अगर बंद हो जाता है, देन दैट यू हैव टू स्टॉप एंड देन यू फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड ओडर नंबर. सो थ्रेशोल्ड ओडर नंबर क्या है? दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स द सैंपल इज डाइल्यूटेड. सी वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ द ओडर फ्री या टेस्ट फ्री, जो भी है. ओडर फ्री मोस्टली दिस इज थ्रेशोल्ड ओडर नंबर, सो ओडर फ्री वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉटर सैंपल. ओके, सो दिस वैल्यू विच एक्चुअली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डाइल्यूटेड द ओडर वॉटर. सो दिस वैल्यू गिव्स मी टी ओ एन, विच इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड ओडर नंबर. ओके, सो दैट थ्रेशोल्ड ओडर नंबर देन गिव्स मी द ऑब्जेक्शनेबल ओडर का रेंज. ओके, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू हैव से यू नो इफ यू हैव से 40 ml ऑफ वाटर, ओके, और उसको तुमने डायल्यूट करते गए, ओके, डायल्यूट करते गए, उसमें 40 ml ऑफ वाटर है जिसको स्मेल आ रहा है, ओके, और उसको तुम डायल्यूट करते गए फ्रेश वाटर ओडर फ्री वाटर से, और वो 40 ml जब 200 ml बन गया, ओके, तब जाके उस पानी का स्मेल आना बंद हो गया, वो ओडर फ्री हो गया. ओके, तब अगर उसका स्मेल आना बंद हो गया, मतलब तुमने उसको कितने टाइम्स डाइल्यूट किया, 40 ml को तुमने 200 ml बनाया, मतलब तुमने उसको 5 times डाइल्यूट किया, 14 × 5 = 200. ओके, सो दैट 5 इज नथिंग बट योर थ्रेशोल्ड ओडर नंबर. ओके, सो दैट थ्रेशोल्ड ओडर नंबर शुड बी 1 एंड शुड नेवर बी एक्सीड 3. मतलब 1 वगैरह तक ठीक है, एंड ऑब्वियसली तुमको अगर ज्यादा से ज्यादा, मैं बोलूंगी कम से कम 1, 0 नहीं रहा तो ऑब्वियसली अच्छा, लेकिन कम से कम 1 तो रहे, और ज्यादा से ज्यादा 3 तक ही. सो दैट इज योर थ्रेशोल्ड ओडर नंबर का रेंज. ओके, सो हियर यू डोंट हैव ए यूनिट बिकॉज इट इज अ यूनिटलेस ना, ml अपन ml हम लोग ओडर नंबर बोल रहे हैं, डायल्यूशन फैक्टर यू कुड से. ओके, सो इट हैज नो यूनिट. देन यू हैव नेक्स्ट, दैट इज टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर. जैसे उस दिन किसने, यज्ञेश ने लगता है टेम्परेचर का बोला था कि ऑब्वियसली टेम्परेचर इज ऑल्सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर. नाउ जैसे इधर लिखा है कि टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10 degrees Celsius आर हाईली डिजायरेबल, वाइल अबाउट 25 degrees Celsius आर कंसिडर टू बी ऑब्जेक्शनेबल. ऑफ अबाउट 10 हाईली डिजायरेबल ऐसा नहीं, इन द सेंस 10 to 25, which is an on an average temperature of any area. Mostly हमारे areas में भी you get an average temperature like 20-25. हमारे areas में, in the sense we're talking about the complete when you talk about the particular, when you talk about the whole country, on an average तुमको जो 20 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, and when we talk about the whole world, on an average the room temperature is between 10 to 25 degrees Celsius, wherein iska meaning kya hai ki room temperature pe water ko water ke characteristics mein kuch change nahi hai. Okay, so it is not objectionable. Anyways, temperature does not have that much effect, obviously it does not have that much effect on the quality of the water, but just to know ki while above 25 degree Celsius are considered to be objectionable, iska meaning ye nahi hai ki pani hum log boil karke ya hum log garam pani pee rahe hai to wo objectionable hai, nahi, bilkul nahi. Iska meaning kya hai ki if at all your water has organic impurities, jaise usme bacteria ya kuch microorganisms hai, so you might be knowing ki agar temperature of the water zyada hai ya ज्यादा, इन सेंस बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो इट किल्स ऑल दी बैक्टीरिया, राइट. हम लोग बॉइलिंग तो उसके लिए करते हैं 100 degrees Celsius, अगर बोलते तो 25 degrees Celsius एंड अबव, इन द सेंस पानी, व्हेन यू टॉक अबाउट वाटर, सरफेस वाटर इन समर सीजन, ओके, तो अगर तुम कोई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर भी लेते हो इन समर सीजन, वेर इन यू हैव लॉट ऑफ हाई राइज इन टेम्परेचर, तो यू कुड सी as the temperature of the water is increased, okay, so the organic activity increase in the microorganisms, increase in their they become more active, and the degradation ya pani sadna jisko hum bolte hain, degradation decomposition is nothing but koi cheez agar sadti hai, okay, to hum bolte hain usko decompose kare, to pani mein bhi you know the
ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट और उसका अगर डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज एनहांस इन द समर सीजन्स. सो इन समर सीजन वेयर इन द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इज स्लाइटली ऑन हायर लेवल, द माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी इज इंक्रीजेस. ओके, एंड देयर फोर यू से दैट इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज ऑब्जेक्शनेबल और नॉट एक्सेप्टेड. वेर इन इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम पानी बॉइल नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऑब्वियसली वी आर सपोज टू यू नो रिमूव द हार्डनेस एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फिर द बेसिक इंक्रीज इन टेम्परेचर यू ऑब्वियसली रिक्वायर. ओके, देन यू हैव स्पेसिफिक एज इन टेम्परेचर डज नॉट हैव दैट मच इफेक्ट ऑन द वॉटर. ये उन्होंने क्यों बताया कि व्हेन यू टॉक अबाउट रॉ वॉटर सोर्स ना, तो ये जो टेम्परेचर है इट माइट इंक्रीज द माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी इन टू इट. ओके, देन यू हैव स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वॉटर विच इज एक्चुअली मेजर ऑफ द सस्पेंडेड डिजोल्व सॉलिड्स, सो नॉट सस्पेंडेड सॉरी डिजोल्व सॉलिड्स या डिजोल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द वॉटर विच इम्पार्ट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वॉटर. तो इसलिए हम लोग ऑलरेडी हम वॉटर का डिजोल्व सॉल्ट या डिजोल्व सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड ये सब हम फाइंड आउट करते ही है. ओके, सो इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऐसे अलग से फाइंड आउट नहीं करता है. सो इट इज द मेजर ऑफ वॉटर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, विच इज बिकॉज ऑफ द डिजोल्व सॉल्ट. सो बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक्चुअली सेम जैसा जैसे मैंने टर्बिडिमीटर या पीएच मीटर एक दिखाऊंगी, वैसी चीज में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर भी निकलता है. बट यू हैव एक्सपेरिमेंट्स वेयर यू फाइंड आउट टोटल सस्पेंडेड टोटल डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज टोटल सॉलिड्स. ओके, सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एज ए अलग से हम लोग मोस्टली फाइंड आउट नहीं करते हैं. बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट इन दी वॉटर. ओके, देन यू हैव केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज टोटल सॉलिड्स सस्पेंडेड सॉलिड्स पीएच वैल्यू हार्डनेस ऑफ वॉटर क्लोराइड कंटेंट नाइट्रोजन कंटेंट मेटल्स एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस डिजॉल्व गैसेस एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और यू कुड से द ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन इन दी वॉटर. ओके, सो जैसे फिजिकल अभी इसमें जैसे टोटल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स है. अभी तुम लोग बोलोगे कि ये वाला तो फिजिकल में आना चाहिए ना, टोटल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स ये सब फिजिकल में आना चाहिए. बट यू नो हम लोग जो है सॉलिड्स अगर हम लोग बोलते हैं इन द सेंस उसको हम लोग ने ऑलरेडी टर्बिडिटी का एक टर्म दे दिया है विच इज बिकॉज ऑफ द सॉलिड्स इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वॉटर. बराबर, तो टर्बिडिटी एक जो टर्म है जो हमको दिखता है ऑलरेडी पानी देखने से ही पता चलता है. सो दैट इज योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, टोटल सॉलिड्स सस्पेंडेड सॉलिड्स वोलेटाइल सॉलिड्स फिक्स सॉलिड्स देन देयर आर डिफरेंट लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स इन इट विच एक्चुअली पानी देख के हम पता नहीं कर सकते. मैं पानी देख के पता कर सकती हूँ कि इसमें इतने इतने फिक्स सॉलिड्स है इतने ही वोलेटाइल है इतने ही सस्पेंडेड है इतने ही टोटल सॉलिड्स होंगे, नहीं. I have to perform some experiment and then distinguish solid, suspended, dissolved, volatile, fixed. ये सब मुझे अलग separate out करना पड़ेगा. Okay, कितने हैं water में? That by physical appearance से मैं पता नहीं कर सकती. Okay, so that is why this comes under your chemical characteristics of water. Okay, so you have total solid, suspended solids, pH, hardness, chloride, nitrogen, metals and other chemical substances, dissolved gases, BOD. Okay, ये अभी इससे भी अलावा बहुत सारे when you talk about metals and other chemical substances, you have a list of metals और उसके range कि पानी में कितने होने चाहिए.